मुझे पांच हो गया भैया। अपनी गाय को बेच दिए? हाँ। कितने? 48.5। आओ कितना में गई है भैया? 48। 48.5। 48.5। बहुत बढ़िया कीर्तिमान स्थापित आप कर दिए 48.5 का बेच के। खरीदी करने वाले भैया कितना पड़ा लिया चाचा? 48.5। 48.5। जब मैं इसका वीडियो तैयार कर रहा था तो इसका कीमत 52,000 रुपए के आसपास मांगा जा रहा था। और यहाँ देखिए इस गाय की खरीदी, खरीदार व्यक्ति पूरे 48.5 हज़ार रुपये में कर लिए ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन हमें लग रहा है कि ये गाय महंगी खरीदे हैं जो भी खरीदार व्यक्ति हैं। शायद अनुभव ना होने की वजह से जो खरीदने वाले व्यक्ति हैं वो इतना दाम दे रहे हैं। ये ऊंची खरीदी हो रही है। अगर ये गाय 32-33 के आसपास आ गई होती तो उचित। भाई लोग यहाँ पे जो आप लोग एक गाय देख रहे हैं ये गाभिन गाय है और इसकी खरीदी यहाँ पे देखिए एक भैया हैं। क्या नाम है भैया? भागीरथ। भागीरथ है। कहाँ से आए हैं? बोल जी। यहाँ के नज़दीकी ही एक गांव से आए हैं ना। और इसकी खरीदी देखिए पूरे भैया 63,000 रुपए में कर चुके हैं। बहुत अच्छी गाय है। जब ये ब्याएगी तो इसका दूध टाइम का 8-9 किलो से कम नहीं होगा। ज्यादा आएगा 12। ए भाव पूछ लीजिए। ये लीजिए भैया पर्ची। बेचने वाले व्यक्ति बोल रहे हैं कि ज्यादा दूध आएगा इसका, लेकिन हम अपना एक अनुभव के आधार पे ही इसका दूध बताएं। अच्छी बात कि आगे जाके दूध अच्छा करे, लेकिन 8-9 लीटर कहीं भी दूध नहीं गया है। कितना 9 किलोमीटर चूरा 63 में लिए भैया। अच्छी गाय है। तो भैया देसी ओसी नहीं रखते हैं आप लोग? देसी अभी नहीं जदुआर पर, ठीक ना। हाँ हाँ। अभी हमारे के सहीवाल जाए लेवल पे खूब बढ़िया। तो दूध दूध बेचेंगे क्या? दूध का डिमांड के चलते। इस गाय का क्या दाम होना चाहिए आपके देखने से? हमारे पीछे एक व्यापारी हैं और देखते हैं क्या बोलते हैं। क्या दाम होना चाहिए इसका जी? 70-72 हज़ार रुपये ये भैया बोल रहे हैं, है ना? ठीक है ना, यानी 70-72 हज़ार रुपये में आ जाए तो ठीक है। आपको नहीं लग रहा है कि महंगी जा रही है गाय? नहीं महंगी नहीं है, 72 हज़ार अच्छी है। 70-72 में ये भैया 80 में ले लिए हैं, ठीक है। आजकल में भी आएगी भैया? आज ही आएगी। इसके लक्षण लग रहे हैं। घर जाके भी आएगी? गाड़ी में जब हिचकोला मिल जाएगा इसको तब भी आ जाएगी आराम से। भैया इसकी खरीदी पूरे 63,000 रुपए में कर लिए हैं, ठीक है ना? भाव से मिल गई है, ठीक है। यही भैया खरीदी कर लिया। भैया खूब बढ़ावा जा। कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा कि इसकी खरीदी जो भैया किए हैं पूरे 63,000 रुपए में
वो कैसा है, ठीक है या फिर कहीं अनुचित जा रही है? हमारे ख्याल से तो ये ठीक ही भाव में जा रही है आज की इस मेला मंडी के मुताबिक। बहुत से लोगों की जरूरत नाटकत की गाय की होती है, कम जगह होने की वजह से या फिर उनका मन में उस तरह की इच्छा होगी कि हम गाय रखेंगे तो छोटा ही कद की। यहाँ जो आप लोग गाय देख रहे हैं इसकी बहुत ज़्यादा हाइट नहीं है, ये 3 फुट 3.5 फुट के लंबाई में है। थोड़ा आगे बढ़ाइए तो भैया, ये अपने बच्चे को छोड़ के जाना पसंद नहीं कर रही है। ले आइए, इधर ले आइए। इसका बच्चा क्या है जी? बाछिया है। बच्चा बछिया है। हमें भीड़ का सामना करते हुए इस तरह का वीडियो को शूट करना पड़ता है। ये देखिए बच्चा बछिया है, ये भी नया बच्चा है, बहुत होगा तो 3-4 दिन का बच्चा है। ये बछिया चंचल बछिया है। इसका क्या दाम मांग रहे हैं जी? 26,000। 26,000 रुपए में इस गाय को यहाँ पे बताया जा रहा है। दूध कितना होगा इसका? 3 किलो। 3 किलो टाइम का? किसी व्यक्ति को अगर 1.5 लीटर 2 लीटर दूध की जरूरत होगी तो उनके लिए गाय सबसे सही। टाइम का दूध ये 1.5 से लेकर 2 लीटर से कम नहीं देगी। बच्चा इसके पास बछिया है, दाम आप लोग सुने ही है, 26,000 रुपये। चाचा एक लेने देने वाला जरा दाम बताइए तो। कितना पर ले लेंगे? 14 पे छोड़ दीजिए। नहीं नहीं नहीं, कितने पे होगी? कितने पे? सही बोलिए। एक बार ना? एक ही बार। रुपया आपको लगेगा 20,000। ज्यादा बोल रहे जिनकी गाय है, हम उनसे बात किए हैं तो बोल रहे हैं कि रुपया लगेगा 20,000। अगर ये गाय 15-15 के भी करीब आ जाए, 15,000 रुपए के करीब, तो भी सही है। बच्चा बच्ची मैं की ना हूँ। क्या नाम है आपका? अरे गाय ले आइए जी, गाय ले आइए, इधर ले आइए, आगे आ जा। आप किने हैं तो बताइए कितने में किने हैं इसको? इस गाय को हम 35,000 में खरीदारी की है। सही बोल रहे हैं ना? बच्चा क्या है? बच्चा बछिया है। पहले कितना मांग रहे थे आपसे वो बेचने वाले? 65,000। 35 में खरीदे हैं। पर्ची है इसकी, दिखाइए जरा। मालिक के पास है? मालिक के पास। हम दलाल ना है। अब दलाल है? हाँ। कहाँ लिखा है? लिखा है दलाल पे। नहीं है, जाके मेला मालिक से पता कर लीजिए। हम अच्छा अच्छा दलाल है, हम हर एक बाजार के खरीदारी कराते हैं। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप हमारा के यहाँ आएगा तो हम लोग किनेंगे। 500 पीस है एक माल। 500 पीस है तो पूरे इसको आप लोग 35,000 रुपये में खरीदे हैं? हाँ। बहुत बढ़िया, सुंदर खरीदी हुई है। अरे बच्चा को उठा लीजिए बढ़िया से।
दिलदार नगर के मेला मंडी से चल करके यहाँ विकास आए हैं। कुछ समय से विकास गायब हो रहा है, मेला मंडी में नजर नहीं आते हो। पहले भैंस की खरीदी बिक्री में था, अभी भी है लेकिन कम हो गई है। इनके हफ्ते दो हफ्ते में एक आध भैंसे आती है। दिलदार नगर के मेला मंडी से यहाँ चौसा के मेला मंडी में गाय देखने के लिए कि गाय क्या भाव में चल रही है ना। तो घर पर गाय भी रखते हैं? नहीं भैया, गाय नहीं रखते। एक तो घर के लिए गाय खरीदने आए थे। खरीदेंगे? देसी या विदेशी? देसी 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 गौ प्रेमी है। बहुत बढ़िया है ना। लोगों को बताइए कि देसी गाय रखें घर में? देसी ही रखना चाहिए, जब विदेशी तो गड़बड़ चीज। गड़बड़ चीज। अरे अगर आप लोग यहाँ से 50,000 रुपए की एक गाय लेते हैं तो अगले साल वो 60 में बिकेगी, है ना। 70 की भी हो सकती है। 70 की भी हो सकती है, भाई का कहना है और ये रियल बात है। जो गाय 30 की लेंगे वो 40-45 में जाएगी अगले साल। रेट बढ़ता ही जाएगा, घटेगा नहीं है। अगले साल की अपेक्षा इस साल हर एक गायों का रेट ऊपर जा रहा है। ऊपर जा रहा है। हमें लग रहा है कि आने वाले दिन में जैसे जैसे मेला मंडी में गाय कम आएंगी देसी, वैसे वैसे रेट भी ऊपर जाएगा। देसी का भाव ज़्यादा है। देसी का भाव कभी भी ज़्यादा रहेगा। आप लोग देसी गाय पालें, निर्धनता को भी दूर कर सकते हैं। डील चाहिए। पूर्ण रूप से गिर में नहीं है लेकिन गिर की मात्रा इसमें 70% से कम नहीं है। हाँ, 70% है। और कौन सा नस्ल इसमें दिखाई दे रहा है? देसी है, देसी गिर दोनों मिक्स है। दादी ने अजीत भैया, अजीत भैया पसंद आ रही है क्या ये गाय? कितना मांग रहे हैं आपसे? पहला बाछी है, अभी पहले में है। 4 लाख भी है। दाम देख लिया? दाम 85,000 रुपये। 85,000? हाँ। विकास, अरे इसको ले जाओ ना, इसको ले जाओ। ठीक है गाय? थोड़ा यहाँ से दब रही है। गाभिन है, बच्चा रहती तो ले लेते, ऐसा विकास का कहना है। छोड़िए, भाई लोग अगर यहाँ से आप लोग गायों की खरीदी करके बिहार में या फिर किसी अन्य जगह पे ले जाना चाहते हैं तो यहाँ से ले जा सकते हैं। गाड़ियों की सुविधा उपलब्ध है, है ना। आप लोग ये ना सोचें कि यहाँ से हम कहीं गाय की खरीदी करके नहीं ले जा पाएंगे, कहीं भी जा सकते हैं लेके, है ना। Thank you.
भाई लोग यहाँ पे जो आप लोग एक गाभिन गाय देख रहे हैं गिर टाइप, इसमें गिर के लक्षण 70% से कम नहीं है। इसकी खरीदी खरीदार व्यक्ति कर रहे हैं, इसका फैनुस निकाल रहे हैं, इसका थनों को देख रहे हैं। अब जैसे ही वो खाली हो जाएंगे तो हम ज़रूर उनसे पूछेंगे कि इस गाय की खरीदी कितने में किए हैं आप। आपको मालूम है? नहीं मालूम नहीं, वो फिक्स कर रही है। आपको नहीं मालूम है? नहीं मालूम। थोड़ा प्रतीक्षा कीजिए, हम जरूर आप लोग को बताएंगे कि एक गाभिन गाय कितने रुपए में खरीदार व्यक्ति को पड़ रही है। इसका फैनुस निकाल के देख रहे हैं। संजय भैया कितने में खरीद हुई है? 65 पूरे 65,000 रुपये में इस गाभिन गाय की खरीदी एक खरीदार व्यक्ति हैं वो कर चुके हैं। पहले कितना मांग रहे थे? पहले 75,000। पहली भी आत्मा होने वाली है क्या? अब ये गाभिन बछिया बताई जा रही है। लालू भाई थोड़ा धीरे धीरे आगे बढ़ाइए। कितने में खरीदी की है भाइयों? 42,000 में। बच्चा है। पहले बेचने वाला व्यक्ति कितना रुपए मांग रहा था इस गाय का? 55,000। बढ़ाइए, ले जाइए। पूरे 42,000 रुपए में इस गाय की खरीदी ये लोग करके अपने घर ले जा रहे हैं। पहले इसका दाम 55,000 रुपए मांगा जा रहा था ना भैया, ले जाइए। यहाँ हमारे हाथों में देखिए 3 पर्चियाँ हैं, एक और पर्ची हो गई, 4 पर्ची हम किसी खरीदार के लिए तैयार करवा रहे हैं। 4 गाय खरीदी गई हैं, उन्हीं की ये पर्चियाँ हैं। ठीक है ना चाचा, लो रख लो। भाई लोग यहाँ पे जो आप लोग एक गाय देख रहे हैं इसकी खरीदी के लिए खरीदार और बेचने वाले व्यक्ति के बीच बात चल रही है। इसकी खरीदी के लिए खरीदार व्यक्ति पूरे 46,000 रुपये लगा दिए। 46,000 46 लगा रहे हैं। बच्चा इसके पास नया बच्चा है, बछड़ा लग रहा है। बछड़ा ही है, अच्छी है ना? बछड़ा है कि बच्ची है? बछड़ा है, देखिए तो बछड़ा जैसे लग रहा है, बछड़ा है ना? पहले ही बोले थे कि बछड़ा है। हम इसे सोच रहे थे कि अगर ये 42,000 के आसपास आ जाए तो उचित है। इसके बच्चे को देखिए यहाँ पे छोड़ा जा रहा है। खरीदार व्यक्ति करीब 10 मिनट से ऊपर से ही बातें कर रहे हैं और देख रहे थे इस गाय को। देखिए बच्चे को छोड़ दिया गया। सवाल
कहला कि काड़ा बात होइसे गए उकलम इस गाय की खरीदी खरीदार व्यक्ति पूरे पूरे 46,000 रुपए में कर लिए। बच्चा बछड़ा है, ये दूसरे ब्याह में होगी, नई गाय है। बांध दीजिए भैया, बांध दीजिए। भाई लोग मेला मंडी में जब भी आप लोग जाए गायों की खरीदी करने के लिए, तो बारीकी से देखें कि बच्चा उसी गाय का है कि नहीं। कई बार क्या होता है कि मेला मंडी में बच्चों को अलग लगा दिया जाता है, यानी गाय का बच्चा मर गया होता है तो दूसरे गाय का बच्चा को लगा दिया जाता है। जब बच्चे को लेके आप आगे बढ़ेंगे तो गाय जब पीछे पीछे आ जाएगी तो समझ लीजिए कि उसी गाय का बच्चा है। अगर गाय दूसरे तरफ चला जाए या बच्चा दूसरे तरफ चला जाए तो समझिए कि दूसरी गाय और दूसरा बच्चा है। कितना मांगा चल रहा बताओ, तो ही बताओ बताओ निक जान के किनाई लियो आ निक से बिकाई तो बिकाई क्या घाटा से बिकाई है ना। बड़े फिर दाम बताओ। 81 को दौड़ के किलो ले बिंदुआ का गाय ही तुरंत पड़ा दिया के भोसन दिया जब काल पसों में खाना आके दो दिन में निकली तो लोग की एक भाई की मांग के अनुसार हम इस गाय की खरीदी किए हैं चौसा के मेला मंडी से। जर्सी गाय है ना, इसके पास बच्चा बछड़ा है। इसका प्योर नाम है कैट जर्सी। अरे जर्सी में ही है, पंजाब में इस तरह की गायों की मांग अधिक रहती है ना। इसका दूध निकाला जा रहा है, अर्रा पे छोड़ा गया था। बाजार में अधिकतर गायों को अर्रा पे छोड़ दिया जाता है। जब भी दूध निकाला जाता है तो पूरा दूध नहीं निचोड़ा जाता है, थोड़ा दूध छोड़ ही दिया जाता है। अगर पूरा दूध निकाल दिया जाए तो गाय बीमार हो सकती है। कैसे सब